ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्ताब से सही इंटरेक्शन जो मेरा शुरू हुआ वो 2007-08 में हुआ। मैं भी सिविल हॉस्पिटल में था, वो भी सिविल हॉस्पिटल में था। एक आदत उसकी भी खराब थी जो मेरी भी खराब है अब तक, कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। इनफैक्ट बारी भाई अभी चले गए, 7:45 बजे हम लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे होते थे और 7:45 बजे बाहर जो पुराना हमारा डॉक्टर्स कैंटीन होता था उसके बाहर यूजली मैं और आफ्ताब मिलते थे, उधर से बारी भाई वॉक करते हुए आते थे। और जो सिविल की पॉलिटिक्स उस वक्त हो रही होती थी, मैं उसको पॉलिटिक्स ही कहूँगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो कम होती थी, क्योंकि आफ्ताब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था और बड़ा उसके दिल जलता था उसका, तो काफ़ी बातें मुझसे शेयर करता था। मैं काफ़ी अपने वार्ड के प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब मैं खासतौर पर जब प्रोफेसर बना और जो मुझे वार्ड दिया गया उसको मुझे रेनोवेशन के थ्रू गुजरना पड़ा, तो आफ्ताब से बहुत कुछ शेयर करता था मैं। वो मुझसे शेयर करता था PWA के इश्यूज, बारी भाई से जाके हम डिस्कस करते थे। ये ज़रूर बात सही है, ये आफ्ताब ने मुझसे कई मरतबा शेयर किया कि यार ये जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन चला रहा है इससे तो हम कम पैसों में चला सकते हैं और सब कुछ है। और मेरे ख्याल मंसूर गवाही देगा इस बात की कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मंसूर और नसीर, उस समय वाइस प्रिंसिपल था, तो मेरे पास आए थे और मैंने साफ इनकार किया था। मैंने कहा था यार देखो मैं चक्करों में नहीं पड़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालूँ जो मैं संभाल ना सकूँ। तो इसकी भी शिकायत मुझसे आफ्ताब ने बाद में की थी, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं संभालता। तो मैंने कहा यार आफ्ताब क्यों सरदर्द पाल रहा है, वैसे ही तेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन के इतने हेडेक्स हैं और रोज़ाना दिल जलाता है, रोज़ सुबह रोज शाम तक यही करता रहता है तू, तो हम क्यों इन चक्रों में पड़े। तो उसने एक जुमला कहा था जो मुझे अब तक याद है, कहते यार और ज़िंदगी के मकसद क्या है, मरीजों का तो हर भला करना है। तो यू नो दैट स्ट्रक मी लेटर ऑन। और जब मैं न्यूनेटल ICU जाता था, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में पुराने हॉस्टल 4 में क्लास ऑफ 86 ने एक जगह ली थी, कब्जा तो नहीं कहूँगा, जगह ली थी, मतलब वो जो कोर्टयार्ड होता था हॉस्टल 4 का, उसके अंदर एक न्यूनेटल ICU बनाया जिसे कोई वेंटिलेशन नहीं थी और ही डिडंट इवन हैव प्रॉपर रूम, जिसको कहा जाए कैबिन सा था। तो हम आके अक्सर, मैं अक्सर कहता था आफ्ताब बाहर चले और बाहर खड़ो के बात करेंगे। बट यू नो रस्मि जुमले नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब फील होता है कि वाकई डेडिकेशन थी उस बंदे में, वो डेडिकेटेड काम करता था। हम लोगों की तरह नहीं रहा है, घूमे प्रोफेसर किस्सरगिरी की और चक्कर लगा के निकल गए। दूसरी इसका जो बड़ा फोकस था, जो मुझे एक स्टेज पर पता चला जब CLF का ये शुरू किया उसने कि यार ये हम कर सकते हैं, उसने मुझसे डिस्कस किया कि यार वो कहीं क्लिनिक करता है जो वो चैरिटी के तौर पर करता है और वहां पे वो पैसे लगाता था। मैंने कहा यार आफ्ताब तेरी हिम्मत है भाई, हमसे तो अपने घर का खर्चा नहीं चलता, तू कर रहा है पता नहीं कैसे कर रहा है। और ये बात हफीज की मैं मानूंगा कि ही हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट ही यूज्ड टू ओवरकम देम, और बड़ा मुस्कुराता हुआ था। जो एक स्टेज में मैंने उससे कहा था कि आफ्ताब वजन कम कर ले, तो कहते किस लिए कम करूँ, और ज्यादा मेरा भी वेट उस वक्त ज्यादा था। तो उस वक्त हमको फील हुआ कि हम लोग शायद पता नहीं कॉलेज में ही है, वही हरकतें कर रहे हैं। ऑल्दो आई डिड नॉट नो दैट वेल इन कॉलेज, लेकिन 2007 से लेके मेरे ख्याल में 2016 तक 17 तक इनफैक्ट कुछ 6-8 साल जो है वो फील हुआ कि यू नो रोज़ाना नहीं तो हर 2-3 दिन बाद उससे सुबह मुलाकात हो जाना, कोई मसला हो तो उसको फ़ोन करना, कोई वो मुझे फ़ोन कर ले किसी पेशेंट के लिए। कई मरतबा मैंने उसको कहा वार्ड आ जाओ, तो कहता था यार टाइम इतना नहीं होता वार्ड आने का, you know, but he showed dedication, which is something which, you know, I could never do, honestly speaking. Civil hospital में उस वक्त की administration या जो administration हमेशा रही है उसके साथ से interact करते हुए, उसके साथ काम करना और उसमें से भलाई के काम करना, you know, बहुत frustrating है, बहुत frustrating था। He had patience. That's one thing which I can say in professional life, he had patience. बारी भाई अभी गए, इनके ये भी बहुत पेशेंट आदमी रहे, बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक वो पता नहीं PWA का था कि उसकी सरिश्त में था कि एक पेशेंट आदमी था। सो आई रियली यू नो जब मुझे पता चला कि उसको कोविड हुआ है, कहीं से मुझे पता चला, मैंने उसको फोन नहीं किया जानबूझ के, आई नाउ रिग्रेट दैट, क्योंकि जैसे बाकी लोगों ने कहा, हफीज ने भी कहा, यानी कोविड इज समथिंग विच इज अराउंड अस नाउ। यू नो आई एम लिविंग इन अ एरिया जहाँ मुझे पता है 4 घरों में कोविड है, तो कांट डू एनीथिंग। तो मैंने इसलिए उसको शायद फोन नहीं किया। जब वो ICU गया तो यू नो बिकॉज माई जूनियर्स वर वर्किंग देयर, आई यूज टू गेट अपडेट्स एवरी 2x or 3x a day,
एंड इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एक एक स्टेज पे पता चला था कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, एंड यू फील हेल्पलेस, यू नो, यू फील लाइक कि यार ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं. मतलब मजर वॉज देयर, जमीर वॉज देयर, मैं उनको भी फोन नहीं करता था, मैं अपने जूनियर्स को फोन करता था, कहता था यार शाम मोहम्मद बताओ, बिलाल मुझे बताओ क्या हो रहा है आफ्ताब को, कहते यार. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सूट की टीम इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल केयर टीम्स इन द सिटी. हर चीज उन्होंने की, यू नो, दे ट्राइड एवरीथिंग. अदीब साहब खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेते रहे, अनवर नकवी लेते रहे, अल्ताफ हाशिम ने मैसेज किया कि यार वी नो वी आर ट्राइंग, व्हाट एल्स कैन वी डू, यू नो, बट जब लिखा है लिखा है, हम सबका टाइम लिखा है. आई डोंट नो व्हेन मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग, मे बी आई डोंट नो, इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू क्लास फेलोज ऑफ माइन फ्रॉम माई स्कूल, यू नो. So it's our age group which is the hardest hit in Karachi. Jo statistics aa rahi hain, jo chupi statistics aa rahi hain, but somebody who's crossed, you know, 55, probably heading towards 60, you know, with even one comorbid, I mean, I don't know. So you know, it's an emotional moment, but I think Aftab showed us the way, and I hopefully NICU jo 86 ke batch ne banaya hai, wo aur Aftab ki jo dusre cheeze thi, wo continue karenge. थैंक यू आमिर एंड थैंक यू फॉर द रेस्ट. अगेन शायद पॉलिटिकल स्पीच हो गई, लेकिन क्या करूं, आदि हूं, बट दिस वाजंट पॉलिटिकल, दिस वाज यू नो ह्यूमैनिटी.